नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, क्या बिना नहाए पाठ पूजा कर सकते हैं या दीपक लगा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताजो आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। देखिए, व्यक्ति का शरीर तभी पवित्र होता है जब हमारा मन पवित्र होगा। हम स्नान तो करते हैं, परंतु जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा मन कई बार भटक जाता है, कहीं और ही होता है। अगर दूसरा पहलू देखें तो हम बिना स्नान किए भक्ति में डूबे हुए हैं तो ज़्यादा पवित्र होते हैं। पवित्रता सिर्फ मन से होती है, ना कि शरीर से। परमात्मा हमारी श्रद्धा देखते हैं, उन्हें स्नान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही कहूँगी, जो लोग स्नान कर सकते हैं वो स्नान करके ही पूजा पाठ करें, अच्छी बात है। जो लोग स्नान करने से असमर्थ हैं तो ऐसे में परमात्मा की भक्ति वो कैसे करें, ये बात तो शास्त्रों में भी वर्णित है। 32 बार कुरला करके अपने हाथ मुंह को धोकर इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए अपने ऊपर गंगा जल के छींटे लगाएं और शुद्धिकरण करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य जल के छींटे लगाएं और शुद्धिकरण करें। इस प्रकार करने के बाद आप देव पूजन कर सकते हैं। दूसरा स्नान होता है कमर के नीचे का स्नान, यानी कि अर्ध स्नान। इस तरह करके भी आप देव पूजन कर सकते हैं। तीसरा स्नान है मानसिक स्नान। जैसे हम मानसिक पूजा कर सकते हैं और मानसिक पूजा हमारी परमात्मा स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हम मानसिक स्नान भी कर सकते हैं। अपने हाथ मुंह धोकर अपने शरीर के ऊपर जल के छींटे लगाएं और वस्त्र चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप तीनों स्नान से दीपक जला सकते हैं, पाठ पूजा भी कर सकते हैं। परमात्मा हमारी श्रद्धा देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।